Dear student, I am Ramesh Mishra. I want to teach you the use of had to. बेहद इम्पॉर्टेंट यूज है बच्चों, आप बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। इसका प्रयोग तब किया जाएगा जब बाकी है या बाकी था, इस तरह का वाक्य आएगा। तुम्हारा चाय पीना बाकी है, तो तुम्हारा का मतलब यू हो गया। है तो इजे मार लगेगा, था है तो वाज वर्ब लगेगा, तो इजे मार में क्या लगेगा? आर। अब बाकी का लिए लगेगा एट टू यू आर पीना चाय। पीना का हो गया टी के, टेक या ड्रिंक, टेक टी। उसका खेलना बाकी है ही लिख दिए। है के लिए इजे मार लगाएंगे, इज लगा दिए। बाकी है का एट टू, ही इज एट टू। खेलना का प्ले, मेरा उसे फोन करना बाकी है। मेरा का आई हो गया, है के लिए इजे मार आई एम। बाकी का एट टू, आई एम एट टू। फोन करना कॉल या रिंग, उसे का हर या हिम। आई एम एट टू कॉल हर, मुझे उसे फोन करना बाकी है। मुझे एक सवाल लगाना बाकी था, मुझे का आई हो गया। था है तो वाज वर्ब लगेगा, आई वाच। बाकी का हो गया एट टू। सवाल लगाना मतलब सवाल हल करना, हल करना का साल्व होता है। और एक सवाल, सवाल का मतलब गणित का सवाल है तो वहाँ पर सम लगेगा, और अगर वैसे सवाल है तो एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। आई वाज एट टू सॉल्व द सम। सम मीन्स गणित का सवाल। थैंक यू।